डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मॉसफेट मेटल ऑक्साइड पीलीभीत ट्रांजिस्टर। इसके दो चैनल होते हैं, एक पी चैनल होता है और एक एन चैनल होता है। एन चैनल में आप देखेंगे तो इसमें तीन टर्मिनल मिलेंगे, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। इसका जो है, आप यदि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर को देख के आप समझ सकते हैं। यदि पॉइंटर नीचे है तो आपको समझना ये एन चैनल है, क्योंकि एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होता है, इसीलिए ये एन चैनल है। सेकंड में आप देखेंगे तो पी चैनल आपको देखने मिलेगा, इसमें भी तीन टर्मिनल मिलेंगे, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। यदि इसका जो पॉइंटर है वो ऊपर की ओर होगा तो ये एन पी चैनल कहलाएगा। यदि इसको बड़े फॉर्मेट में देखना है एन चैनल का डायग्राम, तो ये एन चैनल का डायग्राम है मॉसफेट का। यहां पर आपको देखने मिलेगा एक पी सबस्ट्रेट है, मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जिसका लेयर सबसे ज्यादा है, मतलब जिसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है, वो पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का है। तो पी में आपको पता है नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर नंबर ऑफ होल्स के होते हैं। अब होल्स कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो उसके पास क्या क्रिएट हो जाएगा? होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन से भी करंट सर्कुलेट होती है, वैसे ही होल से भी करंट सर्कुलेट होती है, ठीक है। लेकिन माइनर करंट होल से सर्कुलेट होती है और मैक्सिमम करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से सर्कुलेट होती है। तो देखिए, यहां पर जो है मेजॉरिटी करियर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स का हो गया, और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी करियर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, इसलिए इसमें करंट का कंडक्शन अच्छा होता है। यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हेविली डोप्ड किया गया है। हेविली डोप्ड करने के कारण इसमें कंडक्शन फास्ट होने लगेगा अकॉर्डिंग टू प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के, क्योंकि डोपिंग करेंगे तो इसमें इंप्योरिटी आपने मिला दिया, तो किसी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इंप्योरिटी, मतलब कि किसी और तीसरे कंपोनेंट को आप यदि मिलाते हैं तो वो डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग में यहां पर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज किया, और यही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज करके आप इसकी कंडक्शन बैंड को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, आप इसके तीन टर्मिनल, जैसे मैंने आपको बताया ड्रेन, गेट एंड सोर्स, इसके तीन टर्मिनल है। इस तीन टर्मिनल के बीच में आप देखेंगे तो यहां पर एक एन चैनल का है, दूसरा एन चैनल का है, और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो एक लेयर अलग लगी हुई है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक SiO2 की डायलेक्ट्रिक लेयर लगी हुई है, मतलब इन दोनों के बीच में एक लेयर है। इसका मतलब यह है कि जब दो कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में यदि एक लेयर हो जाए, या ये बोल सकते हैं कि जैसे आपने कैपेसिटर देखा होगा, कैपेसिटर में जब कैपेसिटर को बनाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल को लगाते हैं। हाय बेटा, चलो ये माइक चालू, ठीक है। तो दो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बीच में हमने क्या किया बेटा, देखो हम जब कैपेसिटर बनाते तो क्या करते हैं, ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखते हैं, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहां आकर जब जमा हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये आपस में एक बॉन्ड नहीं बना पाते, इसीलिए यहां पर चार्ज स्टोर रहता है। कैपेसिटर का मेन फंक्शन यही है कि ये चार्ज को स्टोर करके रखता है, तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव साइड में स्टोर करके रखता है। जब ये जो कैपेसिटर है एज इट इज, यहां पर भी वही कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बीच में, या ये बोल सकते हैं कि यहां पर प्लस प्लस, मतलब ये प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और यहां पर नीचे निगेटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव 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 चार्ज होता है। तो देखिए यहां पर ऊपर है लेयर पॉजिटिव चार्ज की, देखो यहां पर भी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, पॉजिटिव यहां पर भी है, और इन इसके नीचे क्या है बेटा, एक लेयर है, देखो ये एक लेयर है जिसे कहते हैं SiO2 की डायलेक्ट्रिक लेयर। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक लेयर है, तो ये क्या बनाएगा, कैपेसिटेंस बनाएगा, और इसी कैपेसिटेंस का हम यहां पर यूज करते हैं।
इसमें सप्लाई ड्रेन से जाएगा, देखो ड्रेन, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी टर्मिनल है, तो बैटरी को हमने वीडीएस लगाया, वीडीएस अप्लाई करने पर यहां से निगेटिव टर्मिनल से करंट सर्कुलेट होते हुए सोर्स तक आएगा और सोर्स से करंट एंटर करेगा यहां पर, ठीक है, मतलब कि मॉस्फेट के अंदर, और मॉस्फेट के अंदर में ये एन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, यहां तक करंट एंटर होगी और यहां से सीधे ड्रेन तक पहुंचेगी, तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यू जाएगा और यहां पर गेट को हम ट्रिगर करेंगे, क्योंकि यही इन दोनों के बीच में, देखिए एक तो बैटरी सोर्स हमने लगा दिए ड्रेन और सोर्स के बीच में, दूसरा हम ट्रिगर पल्स दे रहे हैं गेट को उसी टाइम पे, दो टाइम है ना, देखिए एक बैटरी सोर्स ऊपर लगा हुआ है जो ड्रेन और सोर्स को एक्टिवेट करके करंट सर्कुलेट कर रहा है, और दूसरा यहां पर गेट को सप्लाई दे रहे हैं अलग से, तो गेट को ट्रिगर करने के लिए भी एक्स्ट्रा बैटरी से सप्लाई दिया जाता है, जब ये फायरिंग ऑर्डर में इसको डालते हैं तब ये गेट एक्टिवेट होगा, तो यहां पर इसके टर्मिनल पर यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, और देखो ये गेट से कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है यहां पर टर्मिनल पर, पॉजिटिव, और ड्रेन और सोर्स से नीचे वाली लेयर में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, मतलब गेट से हम पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं और सबसे नीचे ड्रेन और सोर्स से नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो एक लेयर मिलेगी, वही लेयर डाइलेक्ट्रिक लेयर है, इसके कारण इसमें कैपेसिटेंस क्रिएट होगा और यही कैपेसिटेंस के कारण ये एज इट इज मॉस्फेट इज द वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में यूज किया जाता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में इसको माना भी गया है कि ये आप एज इट इज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में यूज कर सकते हैं, फिर आपको बताया कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में इसका यूज किया जाता है, फास्टर स्विच होता है, मतलब कि स्पीड इतनी फास्ट होती है कि नैनो सेकेंड में ये ऑन ऑफ मोड में आ सकता है, ये इसकी क्वालिटी है। बाकी इसमें डिप्लेशन मोड क्या होता है ये देख लीजिए, जब गेट को रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये गेट है, देखिए गेट दिख रहा है आपको, गेट के टर्मिनल को यदि हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो देखो एन चैनल में अभी हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है, तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहां पर इसके चैनल का जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, बढ़ गया इसका मतलब क्या बेटा कि ये डिप्लेशन मोड में आ गया। वैसी सेम एनहांसमेंट मोड क्या होगा, इसमें भी गेट को जब आप अप्लाई करते हैं वोल्टेज तो इसका रेजिस्टेंस यदि कम हो जाए तो ये एनहांसमेंट मोड में ऑपरेट हो जाएगा, तो इसी के कारण डिप्लेशन मोड और एनहांसमेंट मोड, ये दोनों मोड के कारण ही ये ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ होने के पीछे रीजन यही है डिप्लेशन मोड और एनहांसमेंट मोड के कारण, तो इससे ऐसी है, आपका जैसे मॉस्फेट है ये ऑन ऑफ होने लगेगा और स्विचिंग डिवाइस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज करने के पीछे रीजन यही है कि ये इन्वर्टर सर्किट में आसानी से स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ ऑटोमेटिक ये हो जाता है, इसका स्विचिंग इतना फास्ट होता है कि आपके घर में यदि कंप्यूटर भी ऑन है तो ये इंस्टेंटली पावर जो पोल से सप्लाई आ रहा है उसको जैसे वो कट होता है ये इंस्टेंटली उसी टाइम में ऑन कर देता है, इतना फास्ट स्विचिंग करता है, इसीलिए आपका जो सिस्टम हो सिस्टम कभी ऑफ नहीं होगा यदि आपने मॉस्फेट यूज किया है, तो इसलिए इन्वर्टर सर्किट में मैक्सिमम मॉस्फेट का यूज करते हैं। इन्वर्टर सर्किट आपको पता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला एक सिस्टम है जिसमें इन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं, तो इन्वर्टर में क्या करते हैं बेटा, जैसे रेक्टिफायर में भी हम आपको बताया रेक्टिफायर में किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर में डायोड का यूज करते हैं, और ये क्या करता है बेटा एसी को डीसी में चेंज करता है, और इन्वर्टर सर्किट में क्या लगाते हैं एससीआर मॉस्फेट, ठीक है एफएटी, ये इनका यूज करते हैं और ये काम क्या करता है बेटा डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है आपको, तो ये आज की क्लास में इतना ही है, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। इसमें एन डिफ्यूजन जो है ये ब्लॉक होता है, ये एन डिफ्यूजन ब्लॉक होता है जो डिफ्यूज हो जाता है, मतलब इसका वर्किंग जो है मतलब ब्लॉक करना मतलब रोक देना, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं करेगा तो ये कैपेसिटेंस क्रिएट नहीं होगा, तो इसको ब्लॉक करते हैं तो ये कैपेसिटेंस क्रिएट होता है,
तो ये जो है करंट का सर्कुलेशन यहां से इजी वे में होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है और ये फास्ट स्विचिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डायक, और डायक स्पेशली यूज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और डिवाइस में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में सबसे ज्यादा इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये ट्रिगरिंग सर्किट के रूप में यूज होता है। डायक स्पेशली फॉर बाई डायरेक्शनल और बाइलेटरल डिवाइस होता है। इसका यूज ट्रिगरिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। यदि इसके फंक्शन की बात करें हम, तो इसमें पी एन पी तीन लेयर मिलेगी, और इसमें देखेंगे तो आप दो जंक्शन मिलेगा J1 और J2। इसमें तीन जो लेयर हैं, इसके फर्स्ट वाले टर्मिनल से एनोड निकालेंगे, सेकेंड वाले टर्मिनल से कैथोड निकालेंगे, जिसमें निगेटिव इसका टर्मिनल होगा और एनोड इसमें इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यदि इसको जब शिफ्ट करते हैं किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, तो सिंबल के रूप में इस टाइप से आप देखेंगे इसको। ये फर्स्ट डायोड हो जाएगा और ये दूसरा डायोड हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने शिफ्ट किया जाता है। एक टर्मिनल निकालेंगे आप एनोड का और दूसरा टर्मिनल निकालेंगे आप कैथोड का। इसका सिंबल है। अब देखिए इसमें स्पेशली फॉर यदि देखा जाए तो इसको यदि अलग अलग कर दें हम, तो ये दिखेगा इस टाइप से, मतलब दोनों डायोड आमने सामने दिखेंगे। तो जब दो डायोड को आमने सामने कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, तो वो डायक बन जाता है। और डायक में स्पेशल एक चीज ये है कि इसमें फर्स्ट वाला जो डायोड है वो यदि फॉरवर्ड बायस में, तो सेकंड वाला रिवर्स बायस में होगा। यदि सेकंड वाला यदि रिवर्स बायस में है, तो फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस में होगा। कहने का मतलब एक है कि यदि डायोड वन बंद है तो डायोड टू चालू होगा, डायोड टू चालू है तो डायोड वन बंद होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इसमें थ्री लेयर्स पीएनपी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना होता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उससे मिलकर बना होता है। सेकंड में इसमें दो टर्मिनल है, एनोड और कैथोड। तो एनोड में आप देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। इसे सी से भी डिनोट करते हैं या फिर के से भी डिनोट किया जाता है। इसमें दो जंक्शन है, जंक्शन मतलब संधि। दो लेयर जहां पर आकर मिलते हैं वो जंक्शन कहलाता है। जैसे कि पी और एन की लेयर जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, मतलब दोनों लेयर जिस पॉइंट पर आकर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, लेयर कहलाएगा, मतलब जंक्शन कहलाएगा। ये दो लेयर जहां पर आकर मिलेंगी ये जंक्शन कहलाएगा, जंक्शन J1 और J2, दो जंक्शन है इसमें। इसमें तीनों लेयर इक्वल अमाउंट में इसकी विड्थ होती है। ये तीनों लेयर की जो विड्थ मिलेगी आपको इक्वल मिलेगी, मतलब इसकी जो चौड़ाई मिलेगी वो समान चौड़ाई मिलेगी। इक्वल अमाउंट में डोपिंग भी की जाती है इसकी। उसके बाद देखेंगे कि इसमें दो डायोड्स कनेक्टेड है सीरीज में, लेकिन एक डायोड एक दूसरे के अपोजिट में है। ये दो डायोड सीरीज में तो है परंतु एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका यूज स्पेशल फॉर ट्रायक को ट्रिगर पल्स देने के लिए यूज किया जाता है। और इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये एसी की साइकिल को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल, क्योंकि आपको पता है कि एसी में पॉजिटिव साइकिल भी होता है और हाफ साइकिल निगेटिव भी होता है। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव में डायोड यदि D1 कंडक्ट कर रहा है, तो उस समय इसमें डायोड D1 ऑन होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। सेकंड में यदि आप देखेंगे जब डायोड D1 ऑफ होगा, उस समय ये रिवर्स बायस में होगा, तब डायोड D2 ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। मतलब यदि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड D2 रिवर्स बायस में होगा, और जब उस सिचुएशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल की एसी की वेवफॉर्म आपको प्राप्त होगी। सेकंड में जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा और D1 रिवर्स बायस में होगा, तब आपको एसी की नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। तो इस तरीके से एसी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को यह कंडक्ट करता है। इसका यूज स्पेशल फॉर ट्रायक को ट्रिगर पल्स देने के लिए किया जाता है। और इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है स्पेशल फॉर 30 वोल्ट होता है। वीबी का मान कितना मिलेगा, 30 वोल्ट मिलेगा। यदि इसके लेयर की बात करें, इस टाइप से इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन किया जाता है, पी एन पी, और इसमें एन इस साइड एक चैनल मिलेगा, इसका लेयर मिलेगा, और एन का इस साइड एक लेयर मिलेगा। तो ऐसे यदि आप देखेंगे तो इसमें 5 लेयर देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली हम यहां पर 3 लेयर को ही रिकमेंड करते हैं, जैसे कि पी एन पी, ये 3 लेयर यहां पर आपको देखने मिलेगी, इसलिए 3 लेयर ही बोला जाता है। इसमें 3 लेयर को ही दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इसका जो यूज है
जैसे आपने देखा सीलिंग फैन में इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में सबसे ज्यादा हम डायक का यूज करते हैं, और डायक के साथ में ट्रायक भी होता है, क्योंकि डायक और ट्रायक दोनों होता है सीलिंग फैन के रेगुलेटर में। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस वाला रेगुलेटर हुआ करता था बड़े साइज का, लेकिन अब छोटे रेगुलेटर को यूज किया जाता है जो एक स्विच के साइज का हो गया है। तो उसमें क्या लगा हुआ है, डायक और ट्रायक दोनों लगा हुआ है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो ट्रायक पढ़ेंगे, तो उस ट्रायक को यदि ट्रिगर पल्स देना है तो इस डायक का यूज करेंगे। बाकी ऐसा फंक्शन आपको सेम मिलेगा, इसमें दो डायोड्स का ही यूज किया जाता है, और आपको पता है डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, और डायोड का बेसिकली जब यूज करते हैं तो आपको पता है डायोड क्या काम करता है। यदि चार डायोड या दो डायोड या एक डायोड को हम जब यूज करते हैं, जैसे ब्रिज सर्किट के रूप में यूज कर ले, तो उसका हम क्या बना लेते हैं, रेक्टिफायर सर्किट बना लेते हैं। चार डायोड यूज करोगे, सही कनेक्ट करोगे पोलारिटी में, तो उसका क्या बन जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। दो डायोड का भी यूज करके आप फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो डायोड स्पेशल फॉर, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला कंपोनेंट है, तो इसके ये जब भी डायक जहां पर भी यूज होगा उसके साथ में ट्रायक जरूर लगा होगा। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।